मध्य प्रदेश के मास्टर साहब अजब है गजब है। मास्टर साहब के पास महज 23 साल की नौकरी मां मिली करोड़न के अकूत संपत्ति। देखे वाले उछापा मारे वाले तक हैरान हो गए। कहे कि मास्टर साहब के अभी कुल जो है सेवा अवधि 23 साल ही जोने मां, उनका तनख्वाह यदि जोड़ी जाए तो केवल 36 लाख रुपया होती, किंतु उनके लगे मिले करोड़न के अवैध प्रॉपर्टी के दस्तावेज, साथ मान नगद रुपया। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बा हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थी। शुरुआत करी थी अभी हर बड़ी खबर के कि मध्य प्रदेश में एक शिक्षक, प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के पास से 5.25 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली है। यह चौंकावे वाला खुलासा लोकायुक्त भोपाल की 10 सदस्यीय टीम के द्वारा जाँच में भा है। मंगलवार का यह जाँच की गए टीम माँ के द्वारा सुबह 6 बजे प्राथमिक स्कूल के शिक्षक पंकज रामजन्म श्रीवास्तव के कई ठिकानन पर एक साथ छापेमार किए गए। ये ठिकानन मां भोपाल के मिनाल रेजिडेंसी स्थित मकान नंबर D413 और सारणी बागडोन मां MGM कॉलोनी मां घर शामिल है। ये छापेमारी से पंकज के बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल, नागपुर मां 24 से ज्यादा प्रॉपर्टी के जानकारी मिली है। जो उन्हें मां समृद्धा मां प्लाट पिपरिया जाहिर पीर मां 1 एकड़ के भूमि, छिंदवाड़ा में 6 एकड़ के भूमि, बैतूल मां 8 आवासीय प्लाट और बागडोन मां 6 दुकान और 10 अलग अलग गांव मां 25 एकड़ की कृषि भूमि शामिल। बता दें कि पंकज घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के रेंगा ढाना मां स्थित एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षक है। फिलहाल पंकज के संपत्ति के लय के अभी जांच चल रही है। पंकज के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। टीम की ओर से किए गए छापामारी में पता चला कि पंकज क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों का ऊंची ब्याज दर पर कर्जा देते हैं और उनका संपत्ति का गिरवी रख लेते हैं। कर्ज ले वाला अगर पैसा नहीं चुका पावे तो पंकज उनकर संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं। पंकज जो है अपने मित्र के साथ श्रीराम ITI संस्था के निर्माण कार्य में 50 लाख रुपये के निवेश गए हैं। लोकायुक्त अधिकारी डॉक्टर सलील शर्मा के कहा है कि पंकज 1998 में शिक्षा विभाग में 2256 रुपये के वेतन पर नौकरी ज्वाइन करे रहा। मौजूदा समय में पंकज के वेतन करीब 40,000 रुपया प्रति महीना ही। लोकायुक्त अधिकारी के द्वारा बताया गया कि 23 साल की नौकरी में पंकज का 36,50,500 रुपये के वेतन मिला। अधिकारी कहा है कि यह वेतन मां ओके द्वारा करोड़न का संपत्ति कैसे बनाए लीन गए यह जांच के विषय है। और अधिकारी के द्वारा यह कहा गया कि आय और व्यय की गणना होती। पंकज के पास नगदी ज्यादा बरामद नहीं भय। पंकज के पिता वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा सर्वेयर रहे। पंकज के द्वारा बताया गया कि उनके रिटायरमेंट के बाद बड़ी राशि उनका मिली रही। तो निश्चित तौर पर एक मास्टर, एक स्कूल के प्राथमिक स्कूल के मास्टर के पास 5 करोड़ से अधिक के संपत्ति मिलब एक बेहद बड़ी बात है। और सवाल यह उठत है कि एक सूदखोर, एक ब्याज माँ पैसा बांटे वाला व्यक्ति जो आम आदमी के मजबूरी के फायदा उठावत है, ये कितना बड़ा दुखद पहलू है कि इतने बड़े बड़े बैंक हैं, सरकार हैं, जो लोगन का आसानी से लोन दिवावे की बात करती हैं, किंतु जमीनी हालात अलग है। हालांकि आम आदमी जो है ये सब बैंकन के परेशान करे के चलते आम आदमी जो है प्राइवेट व्यक्ति से कर्ज लेकर मजबूर होते हैं और कर्ज लेकर मजबूर होते हैं वो अपन गहना गुड़िया गाटी और यहाँ तक कि जमीन जायदाद तक जो है वो मां गिरवी रख रहे थे। हालांकि आमदनी यदि बराबर नहीं है तो कर्ज यदि ली नहीं तो वह कर्ज का ऐसा सूदखोरन के द्वारा जब्त कह ली जात है और बन जात है 1 लाखपति व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति। सवाल बेहद बड़ा है और सरकारन के ओर ध्यान दे चाहिए कि एक आम आदमी, गरीब आदमी जो मजबूर है, जेका पैसा की जरूरत है, उनका बैंक के सुविधा प्राप्त करावे, नहीं तो यमे सूदगोर बढ़त जाही और गरीब बहु गरीब हो जाही। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।